हेलो गाइस, स्वागत है आपका विकास यूनिवर्सिटी में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा किसी भी टेक्स्ट को अपर केस या लोअर केस में चेंज करना। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा है, यहाँ कुछ नाम लिखे हुए हैं जो कुछ अपर केस में है या लोअर केस में है या मिक्स्ड है। ठीक है, इसको हमने स्पेसिफिक अपर केस में या लोअर केस में कन्वर्ट करता है, क्योंकि कभी कभार हमारे पास डेटा होता है जो हमको अपर केस में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर हम वो डेटा मैनुअली अगर अपर केस में मैनुअली टाइप करते हैं तो हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो सकता है, या हमको लोअर केस में कन्वर्ट करना पड़ता है मैनुअली तो हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो सकता है। तो वेस्ट टाइम ना हो हमारा, इसलिए हम क्या करते हैं एक्सेल में कि अपर केस और लोअर केस के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि क्या होता है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हमको अपर केस में अपना टेक्स्ट कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे गाइज, हम सिंपल यहाँ पे अब इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे यू पी, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, मैं जैसे कि आप क्या करोगे यू पी डब्ल्यू आर अपर वाला, आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला ओपन हो गया। मैं क्या करूँगा, इसको टैब दबा के सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या मुझसे पूछ रहा है, ये यहाँ मुझसे पूछ रहा है टेक्स्ट कि आपने कौन सा जो टेक्स्ट है वो अपर केस में कन्वर्ट करना है। जो अब जो भी मेरा टेक्स्ट होगा मैं वो यहाँ पे दे दूंगा उस सेल का एड्रेस, और मेरा कौन सा है ये वाला है, तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया। आप देखेंगे यहाँ पे ये D5 सेल था जो सिलेक्ट हो गया। अब मैं क्या कर दूंगा, अपना ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज, और मैं क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा एंटर। जैसे मैं एंटर करता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरा ललिता ठाकुर था वो मेरा अपर केस में यहाँ पे आ गया। अगर मुझे, जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पे ये वाला रखते हैं, अगर ये वाला मेरा सपोज कीजिए कुछ अपर केस में है कुछ मिक्स्ड है, अगर मुझे इसको यहाँ पे लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको कैसे करूँगा, मैं सिंपल गाइज यही फार्मूला यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे इक्वल टू करूँगा, और इक्वल टू करने के बाद मैं क्या करूँगा LOWER, देखो मेरे पास यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, टैब दबा के इसको एक्टिवेट कर दूंगा। अब मुझसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला आपको या कौन सा टेक्स्ट है जो आपको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। जो भी आपको करना कन्वर्ट है वहाँ पे आपको उसका एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे D7 सेलेक्ट हो गया है, और मैं इसको क्लोज कर दूंगा और मैं यहाँ पे इसको एंटर कर दूंगा। जैसे मैं एंटर करता हूँ गाइज, और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो विजय कुमार है वो यहाँ पे टोटली लोअर केस में आ गया है। ठीक है गाइज, तो एक बार मैं फिर आपको यहाँ पे लोअर केस आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इक्वल टू किया और यहाँ पे लोअर यहाँ पे टाइप किया, और यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट था वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। ठीक है गाइज, मैं आपको यहाँ पे एक बार ही अपर का भी कर देता हूँ, बहुत ही आसान है। ये मैंने अपर सेलेक्ट कर लिया, ये और ये देखिए गाइज। ठीक है, अब आपको पूरी लिस्ट में सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको फॉर्मूले को ड्रैग करना है। ये देखिए फॉर्मूला मेरा ड्रैग हो गया, जो भी मेरे यहाँ पे टेक्स्ट था वो सारा यहाँ पे अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मुझे लोअर केस में करना है तो सिंपल ये वाला जो मेरे पास फॉर्मूला था इसको मुझे सिंपल नीचे तक ड्रैग करना है जितना ही मुझे चाहिए। ये देखिए ये वाला मेरे पास जो था, ये वाला ये मेरा था टेक्स्ट जो मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना था, यहाँ पे मैंने ये अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला के साथ ये क्या कर दिया लोअर केस में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम अपर केस में और लोअर केस में अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक है गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और विकास यूनिवर्सिटी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।